देखो व्यूअर्स, तो कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी जनाब, आज हम बनाने जा रहे हैं कॉफ़ी। तो कॉफ़ी हम कैसे बनाते हैं वो हम आपको दिखाते हैं अपने तरीके से। तो यहाँ पे जो हमने कॉफ़ी ली है, ये हमने जो है कॉफ़ी के हमने 2 चमचे लिए थे और 3 से 4 चमचे हमने लिए चीनी। तो चीनी को हमने पहले से ही इसको जो तैयार करके रख लिया था कॉफ़ी को। आप कभी भी इसको यूज़ कर सकते हैं, कभी भी बना सकते हैं। तो अगर आपको ये इस तरह का फॉर्म चाहिए तो मैंने बता दिया है कि कॉफ़ी के आप 2 चमचे लें और चीनी के आप 3 से 4 चमचे ले सकते हैं, जितने आपके ऊपर डिपेंड करता है मीठा आप कितना लेते हैं। और बाकी जो है फिर इसको आप इसको कप में डालें या किसी घेरे बर्तन में डालें, डाल के उसको जो है अच्छी तरह इसको फेंट लें, बीट कर लें। बीट करने से ये होता है कि बहुत जितने आप बीट करेंगे उतनी ही अच्छी आपको कॉफ़ी का फॉर्म मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको जो है वो बना के दिखाऊं ये पाउडर मैंने किस तरह बनाया है, तो इंशाल्लाह वो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलें जी, कॉफ़ी का ये पाउडर तैयार है। अब इसको हम डालते हैं एक प्याली में डाल लें या फिर आप कोई कप ले लें। तो यहाँ पर देखिए, ये ले लिया हमने 1 चमचा, हमने भर के लिए कॉफ़ी। ये देखें 2 चमचे, यहाँ पे हम जो है 2 कप कॉफ़ी जो है तैयार कर रहे हैं। और ये देखें 3 चमचे, तो ये चीज 3 चमचे कॉफ़ी हो चुकी है। और इसमें हम डालेंगे नीम गर्म पानी। तो नीम गर्म पानी हमने डाल दिया है, देखें इसके अंदर। नीम गर्म पानी डालने से ये है कि आपकी कॉफ़ी जो है अच्छी तरह यानी कि फिट जाएगी। तो पहले आपका कॉफ़ी का जो कलर है वो हल्का सा चेंज होगा। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने 2 से 3 चमचे हमने पानी डाला है। पानी ज़्यादा नहीं डालिएगा आप। और अब इसके यहाँ पे बारी है फेंटने की। तो इसको जो है हम जितना अच्छी तरह इसको हम बीट करेंगे उतना ही अच्छा इसका मिक्सचर तैयार होगा। जी ये देख सकते हैं आप, ये कितनी अच्छी तरह, ये देखें, ये अभी देखें अभी से गाढ़ा होना शुरू हो गया। ये देखें ये अभी से ही गाढ़ा होना शुरू हो गया। तो ये अभी और फॉर्म की शक्ल में आएगा। ये अच्छी तरह इसको बीट करना है। जितना हम इसको बीट करेंगे कॉफ़ी हमारी उतनी ही अच्छी फ्लॉफी बनेगी। तो इसको जो है आप कंप्रोमाइज़ नहीं करें इसको फेंटने में, थोड़ी सी तो मेहनत होगी लेकिन चीज़ आपकी बहुत अच्छी बन जाएगी। तो जी बस आप देख सकते हैं, हमने जो है इसको 3 से 4 मिनट तक हमने इसको अच्छी तरह फेंटा है। और जितना आप कॉफ़ी को जो है फेंटेंगे मतलब इसको बीट करेंगे उतना ही ये नहीं अच्छी होगी। तो ये देखें आप, ये कितना देखें कितना अच्छा था ये बैटर तैयार हुआ है इसका, बहुत ही फ्लॉफी सा, बहुत ही ज़बरदस्त। अब हम इसको जो है डालते हैं तो आपको दिखाते हैं चले कप में। तो जी व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमने 2 कप हमने दूध के निकाल ली हैं। और अब हम यहाँ पे हमने जो ये कॉफ़ी का जो हमने बीट करके हमने तैयार करके रखी है, अब इसे हम डालते हैं दूध में। तो ये देखें, ये देखें कितने अच्छे तरीके से हमने जो इसको डाल दिया है। अब इसे हम और डालते हैं, अब ये कम है। ये देखें जी, ये टपकता है। तो थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता करके हमने इसको यहाँ पे डालना है ताकि जो है ये अच्छा सा इसका तैयार हो जाए। ये देखें, तो यहाँ पे देखें, ये हमने जो है डाल दी है कॉफ़ी अच्छे तरीके से। अब हम इसको मिक्स करेंगे दूध के अंदर। तो दूध जो है गर्म दूध है और यहाँ पे हमने गर्म दूध में हमने कॉफ़ी डाल दी है। इसको हम अच्छे से चला लेंगे ताकि कॉफ़ी हमारी बन के तैयार हो जाए। तो ये देख सकते हैं आप, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यमी सी कॉफ़ी है, बन के तैयार हो जाएगी। देखें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, थोड़े ही टाइम में कॉफ़ी बन के आपकी तैयार है। तो दूसरे कप भी हम चला लेते हैं। देखें कलर, देखें माशाल्लाह कितना अच्छा आया है इसका कॉफ़ी का। तो इसे भी अब हम चला लेंगे। तो जी बस ये आप देख सकते हैं, कॉफ़ी हमारी बन के हो गई है तैयार, बहुत ही मज़ेदार। तो ये दूध वाली कॉफ़ी है, इसको जो है सादी कॉफ़ी है। और अगर आपको चाहिए कि मैं और जो डिज़ाइनिंग वाली हो, बहुत ही अच्छी वाली कॉफ़ी जो होती है फोमी कॉफ़ी, वो भी मैं आपको दिखाऊं, तो इंशाल्लाह मैं 1-2 दिन में आपको वो फोमी कॉफ़ी भी बना के दिखाऊंगी। बहुत ही जो मज़े की बनती है, जो फॉर्म सा ऊपर रखा होता है और बहुत ही ज़बरदस्त सी कॉफ़ी होती है वो भी। तो ये कॉफ़ी भी बहुत अच्छी, बहुत ही मज़ेदार है। ये ऐसी ही कि झटपट बन के तैयार हो जाती है। कोई आपके घर में अचानक से आ गई है तो आप फटाफट उसको कॉफ़ी बना के पिला सकते हैं।
और आप ख़ुद भी पी सकते हैं। तो जी जनाब, ये देखें मज़ेदार सी कॉफ़ी। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताएं, और अपना फीडबैक लाजमी छोड़ा करें, और मुझे लाजमी बताएं कि आपको जो है मेरी आने वाली रेसिपियां और जो आ चुकी हैं, जो देख चुके हैं, वो सब रेसिपी आपको कैसी लगती है। आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट्स लाजमी छोड़ा करें। तो फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।